आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोना बी आर प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली हमें इन सीरीज में या वीडियोस में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस प्रेसिडेंट का किस तरीके से इम्पीचमेंट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड कुछ उसकी पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और ड्यूटी उसे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सी प्रेसिडेंट का जो पार्टिकल्स होते हैं वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 के अंडर दिया गया है, लेकिन 52 और 61 के अलावा भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इस आर्टिकल के सेक्शन से बाहर हैं बट प्रेसिडेंट से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 72 विच इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर आर्टिकल नंबर 123 विच इज बेसिकली द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर आर्टिकल नंबर 143 जहां पर जो प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उन आर्टिकल्स पर हम लोग धीरे धीरे आते रहेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़नी है उनके इलेक्शन से पहले, हमें वो पढ़नी है उनकी क्वालिफिकेशन। यहां पर एक और चीज क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दैट ये जो प्रेसिडेंट का सेक्शन आता है आपका आर्टिकल में वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक होते हैं, एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव में कुछ पोस्ट आती है हमारी जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, राइट। चलिए वापस हम इसकी क्वालिफिकेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम ये यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिया का प्रेसिडेंट बनना है तो वो क्वालिफिकेशन दो तरह की होनी चाहिए, एक होती है पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन और एक होती है हमारी नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन। पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी को भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उसे लोकसभा के कम 100 मेंबर्स का रिटर्न सपोर्ट चाहिए होता है या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर्स का रिटर्न सपोर्ट चाहिए होता है। इसके अलावा अगर नॉन पार्लियामेंट्री क्वालिफिकेशन की तरफ हम लोग जाएं, सबसे पहली चीज ये होती है दैट पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जो पर्सन प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा था कि प्रणब मुखर्जी जब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ने गए थे तो जिस मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर थे उन्होंने उस मिनिस्ट्रियल पोस्ट से पहले रिजाइन किया था, देन ही वेंट फॉर द इलेक्शन। इसके अलावा लोकसभा मेंबर बनने की भी क्वालिफिकेशन उस पर्सन में होनी चाहिए। अब बात आते हैं यहां पर इलेक्शंस की। देखिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो लोकसभा इलेक्शंस की तरह नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो बेसिकली इंडियन सिटीजन नहीं करते, लेकिन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो इलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में वोट कौन कौन डालता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला, लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते थे लोकसभा में 545, एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, तो लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यानी 543 वो सारे के सारे वोट्स डालते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स इन द सेंस 245 मेंबर्स टोटल होते हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो बचे कितने हमारे पास 233 मेंबर्स। इसके अलावा जितनी भी हमारी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है उन लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे यहां पर वोट डालते हैं। प्लस अगर यहां पर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आती है जिसे हम लोग हिंदी में विधान परिषद कहते हैं, तो उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों है, तो काउंसिल के भी इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, इस तरीके से जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके भी मेंबर्स वोट डाल सकते हैं। प्लस एक और चीज आपको इसमें याद रखनी है दैट जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो यूनियन टेरिटरीज जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास इस वक्त 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। एक है हमारी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली,
एक है हमारी पुदुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली और जो सबसे नई बनी है जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये तीन यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। जम्मू कश्मीर को तो ये अथॉरिटी एज अ यूनियन टेरिटरी अभी अभी मिली है क्योंकि अभी अभी ही रिसेंट में ही यूनियन टेरिटरी बनी है, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी के पास ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डालने की पावर है वो हमेशा से नहीं थी। ये पावर इन्हें 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत दी गई थी। 1992 से पहले दिल्ली और पुदुचेरी के पास प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट डालने का पावर नहीं था। अब एक चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है कि जब हम लोग लोकसभा या फिर राज्य लोकसभा या विधानसभा या ग्राम पंचायत या नगर पालिका के इलेक्शंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 50% से ज्यादा वोट किसी को मिले हैं या नहीं मिले हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए चार कैंडिडेट है ए बी सी डी, ग्राम पंचायत इलेक्शन चल रहा है, ए को मिले 40% वोट, बी को मिले 30% वोट, सी को मिले 20% वोट और डी को मिले 10% वोट। यहां पर किसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, ए को, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो 60% लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि ए को वोट ना मिले, यानी ए जो है वो इलेक्शन ना जीते। तो फ्रेंकली स्पीकिंग तो ए डिजर्व नहीं करता। तो जब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं, ये देखते हैं कि मिनिमम 50% प्लस वन वोट प्रेसिडेंट को मिलने चाहिए। इसके लिए हम एक नई इलेक्शन प्रोसेस को अपनाते हैं जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। इस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या किया जाता है कि आप लोगों को, जो लोग वोट दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल, उन्हें एक सीक्रेट बैलेट पेपर दिया जाता है। ईवीएम मशीन में वोटिंग नहीं होती है। उस सीक्रेट बैलेट पेपर में ए बी सी डी, मान लीजिए चार कैंडिडेट्स के नाम लिखे हैं, मान लीजिए अगर मुझे सी को वोट देना है तो मैं सी के सामने 01 लिख दूंगा, ये मेरी प्रायोरिटी है। इसके बाद मुझे सेकंड प्रायोरिटी भी देखनी होती है 02, बी वुड बी 03 एंड डी वुड बी 04, तो मेरा वोट किसको जाएगा, यहां पर सी को जाएगा। अब इस तरीके से सारे बैलेट पेपर्स को कलेक्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि जो चारों मेंबर्स हैं उसमें किसको कितने वोट मिले हैं। मान लीजिए अगर चारों कैंडिडेट में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसे 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर प्रेसिडेंट बन ही जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पहली स्टेज की जब वोटिंग हो और चारों में से कोई भी कैंडिडेट ऐसा ना हो जिसे 50% से ज्यादा वोट मिले, हो सकता है किसी हर कैंडिडेट को 50% से कम वोट मिल जाए, उस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी को 45% वोट्स मिले हैं, जो बी है उसे हमने 35% वोट दिया है, जो डी है उसे हमने 11% वोट दिए हैं और जो सी है उसे हमने यहां पर 9% वोट दिए हैं। तो 45 और 35 80 एंड ये 100% वोट यहां पर हो गए, लेकिन यहां पर कोई भी प्रेसिडेंट बना नहीं बना। सो अब हमें यह पता है कि सबसे कम वोट किसको मिले हैं, सी को मिले हैं। दैट मीन्स सी तो किसी भी हालत में प्रेसिडेंट बन ही नहीं पाएगा। तो अब ये जो सी के 9% वोट्स हैं जो बैलेट पेपर हैं, हम इन सी के, जिन्होंने सी को वोट दिया है, उन 9% वोटर्स को अलग करते हैं और हम सी का बैलेट पेपर ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि सी वालों ने सी को ही वोट दिया था, ऑब्वियसली वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। तो इन्होंने सेकेंड प्रायोरिटी पे किसको रखा था, ए को रखा था। तो मान लीजिए सी वालों ने, अगर अलग अलग बैलेट पेपर में अलग अलग प्रायोरिटी होगी, किसी ने सेकंड प्रायोरिटी में ए को रखा था, किसी ने सेकंड प्रायोरिटी पे बी को रखा होगा, किसी ने डी को रखा होगा, तो वो जो 9% वोट है वो जिस तरीके से सेकंड प्रायोरिटी में डिवाइड होते हैं, सेकंड प्रायोरिटी वालों में वो सी का वोट शिफ्ट हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो 9% वोट है, अगर 9% में से 6% वोट ए को मिल गए, बी को मिल गए 2% वोट और डी को मिल गया कितना, 1% वोट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ए हो गया 51%, बी हो गया 37% और डी हो गया यहां पर 12%। तो यहां पर ए ने जो 50% की जो लिमिट है उसको क्रॉस कर लिया, तो ए वुड बी द न्यू प्रेसिडेंट। मान लीजिए ऐसा हो सकता था कि दूसरी स्टेज में भी जो मेजोरिटी है वो किसी को नहीं मिलती, तो जो थर्ड बंदा बचता, जो थर्ड इलेक्शन कैंडिडेट बचता जिसे सबसे कम वोट मिले, फॉर एग्जाम्पल अगर डी बचता, तो डी के साथ भी हम वही करते हैं जो सी के साथ किया है, फिर हम देखते हैं कि डी को किसने पहले नंबर पे रखा है और डी की जो सेकंड प्रायोरिटी है हम उसे डी का वोट काउंट करवा देते। इस तरीके से कोई ना कोई एक पर्सन एट द एंड ऑफ द डे स्टेज में निकलता जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलते। इसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं।
एक चीज याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑब्वियसली कौन करता है हम देख ही चुके हैं। प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलवाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर अनअवेलेबल है उस दिन, प्रेजेंट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज रहता है या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाता है, उन्हें उसके द्वारा प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाई जाती है। प्रेसिडेंट का ये जो टेन्योर शुरू होता है ये उस दिन से होता है जब वो अपने ऑफिस में पहली बार एंटर करते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट ऑन? मान लीजिए कि अगर 3 तारीख को इलेक्शन जीता, 5 तारीख को उनको ओथ दिलाई गई और 7 तारीख को उन्होंने ऑफिस में पहली बार एंट्री की, तो 7 तारीख जो है वो प्रेसिडेंट के टेन्योर का पहला दिन मानी जाएगी, राइट? तो ये वो लेक्चर था जिसमें बेसिकली हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन देखी, उसका क्वालिफिकेशन देखा, देन फिर हम लोगों ने इलेक्शन प्रोसेस देखी, एंड देन फिर थोड़ी सी अलग चीजें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड फ्यू ऑफ द बेसिक थिंग्स। नेक्स्ट जो इसका लेक्चर रहेगा वो हमारे प्रेसिडेंट का ही एक पार्ट रहेगा जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट को देखेंगे। इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ नोटिफिकेशन वेरी रेगुलरली प्लीज डू सब्सक्राइब चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टडी द करंट अफेयर्स यू हैव टू विजिट आवर चहल एकेडमी वेबसाइट, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द ऑफलाइन बैचेस और डिटेल स्टडी और एवरीथिंग और फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स और फॉर द ऑफलाइन बैचेस यू कैन एक्चुअली कॉन्टेक्ट अस टू दिल्ली ब्रांच ऑफ चहल एकेडमी और आइदर वी हैव 24 branches all over India.